धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रही है। पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने तो ओबीसी आयोग की उन्होंने स्थापना की, जिसको कि उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। जिस तरह से एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है, उस तरह से अब ओबीसी आयोग है। सभापति महोदय, आप हमारे यहाँ झारखंड में प्रभारी भी रहे। झारखंड की जो स्थिति है कि पूरे देश भर में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, लेकिन झारखंड में वो केवल और केवल 14% है, जिसके कारण पूरा का पूरा पिछड़ा समाज जो है वो परेशान। कई एक ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब में होनी चाहिए थी, लेकिन उनको ओबीसी कोटा काटने के कारण उनको ओबीसी में दे दिया, जैसे खेतौड़ी और घटवाल। और बरसों से मैं मांग कर रहा हूं कि खेतौड़ी और घटवाल को एसटी में डालिए, जिससे कि ओबीसी का जो हक है वो ओबीसी का हक नहीं मारा जाए। लेकिन आज तक वहां की सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रपोजल ना भारत सरकार को भेजा है, ना ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जब सब जगह 27% रिजर्वेशन है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, कांग्रेस सोशियो इकोनॉमिक सेंसस को लागू नहीं करना चाहती है, जिस तरह कर्नाटक में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी ना उसको डिस्क्लोज कर रही है ना लागू कर रही है, तो कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर दबाव डाले और किसी भी कीमत पर ओबीसी को झारखंड में 27% रिजर्वेशन दे। यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अमर